वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम कॉर्पस कैलोसम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे बताया है, कॉम्बिनेशन फाइबर का एग्जांपल है। हमने लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन फाइबर स्टार्ट किया था, तो उसके एग्जांपल में बताया था आपको कॉर्पस कैलोसम के बारे में। तो कॉम्बिनेशन फाइबर है तो ये डिफरेंट दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करेगा। तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में देखते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन फाइबर और ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। कनेक्ट्स, ये तो बेसिक फंक्शन है कॉम्बिनेशन फाइबर्स का, कनेक्ट्स टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जब हम कॉम्बिनेशन फाइबर बताया था, ये बताया था कि कॉम्बिनेशन फाइबर्स किस दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। मतलब फ्रंटल लोब्स कनेक्ट करेगा, हॉस्पिटल लोब्स कनेक्ट करवाएगा कॉम्बिनेशन फाइबर। तो वैसे ही कॉर्पस कैलोसम भी वही करता है। भले ही मैंने लिखा है कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बट उसके जो भी पार्ट्स कनेक्ट कराए गए वो सारे एक ही पार्ट्स होंगे। तो इसमें कुछ एक एक्सेप्शन आता है, वो क्या है, ये सारे पार्ट्स कराता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से दूसरे साइड से कनेक्ट करवाता है, एक्सेप्ट लोअर एंड एंटीरियर पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल लोब। तो एंटीरियर और लोअर पार्ट टेम्पोरल लोब को छोड़ के ये बाकी सारे पार्ट को कनेक्ट करवाता है। क्यों? क्योंकि हम बताया था मैंने एंटीरियर कमीशन में ये पार्ट्स किससे कनेक्ट करवाते हैं, ये एंटीरियर कमीशन से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स कॉर्पस कैलोसम से कनेक्ट होते हैं। तो हम इस कॉर्पस कैलोसम डायग्राम देखते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप भी डायग्राम साथ साथ बनाइएगा कॉर्पस कैलोसम का। इसमें ऐसे कर्व आता है स्टार्टिंग में, एक फॉरवर्ड बेंड आता है, फिर बैकवर्ड हम जाएंगे, एक बल जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पर फोर्निक्स होता है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम में पढ़ेंगे, और आपको पीछे पहले बता चुका हूँ यहाँ पर होता है एंटीरियर कमीशन। अच्छी हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें लैमिनर टर्मिनलिस भी दिखाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्पस कैलोसम। तो हमें डिफरेंट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट है वो हो जाएगा, एक्चुअली सबसे एंटीरियर मोस्ट तो जेनी हो जाएगा, जेनो के नीचे हो जाएगा रोस्ट्रम, जो कि कनेक्टेड किससे है, लैमिना टर्मिनलिस से। आपको टर्मिनोलॉजी सब याद करनी पड़ेगी इसके नाम वगैरह। जो राइट से ये है एंटीरियर कमिशर, ये फोर्निक्स बताया मैंने, ये फोर्निक्स है, ये पूरा हमारा है कॉर्पस कैलोसम, और ये हमारा स्प्लीनियम। इस पार्ट को पोस्टियर पार्ट को बोलते हैं स्प्लीनियम, और जो मेन पार्ट है उसे बोलते हैं ट्रंक। तो कॉर्पस कैलोसम में कितने पार्ट्स हो गए, चार पार्ट्स, रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक और स्प्लीनियम। तो बेसिकली कॉर्पस कैलोसम के बाकी चार पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो हम देखते हैं कि एक ही करके देखते हैं कि कौन से पार्ट्स हो कौन कौन कनेक्ट करता है, या फिर डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो ये जेनू होता है, ये जो हम फ्रंटल पोर के बारे में उसके में पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं सेरिब्रम का जब हम सर्फेसिस पढ़ रहे होंगे तब हम उसके साथ साथ पोल्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रंटल पोल से 4 सेंटीमीटर दूर होता है। थोड़ा डेटा है आप उस याद कर लीजिए, याद भी रह जाता है। जिनू फ्रंटल पोल से 4 सेंटीमीटर पहले होता है, पोस्टीरियर टू द फ्रंटल पोल। और ये किससे रिलेटेड होता है, ये आगे किस एक आर्टरी के आगे होता है जिसका नाम है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के फ्रंट में होता है। तो दो रेशों को पता चल गया जेनू के, ये 4 सेंटीमीटर पोस्टीरियर होता है किसके, फ्रंटल पोल के, और ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के एंटीरियर होता है, मोर एंटीरियर। अब हम रोस्ट्रम देखते हैं, ये रोस्ट्रम क्या है, ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है। तो क्या बोलेंगे, रोस्ट्रम इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ये थोड़ा पीछे की तरफ आ रहा है, इसे रोस्ट्रम क्या है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, इस देखते हैं डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। और ये कहाँ टर्मिनेट होता है, लैमिना टर्मिनलिस पे।
तो बेसिकली रोस्टमा में पता चल गया इट रंस डाउनवर्ड बैकवर्ड एंड टर्मिनेट एट द लेमिना टर्मिनलिस इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर कमिशर। तो जेनू को मैं पता चल गया, रोस्टमा पता चल गया। अब ये ट्रंक के बारे में, ट्रंक सुपीरियर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ऊपर से कॉन्वेक्स होगा, हम साइड से देखेंगे तो दोनों तरफ कॉन्केव होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे, इट्स सुपीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स बट फ्रॉम साइड टू साइड इट इज़ कॉन्केव। और फिर ये भी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से रिलेटेड होता है। और हम डिस्कस करते हैं, हम इन्फीरियर सरफेस इसका, सुपीरियर सरफेस हमें पढ़ा, इन्फीरियर सरफेस ट्रंक का, इन्फीरियर सरफेस सुपीरियर सरफेस का अपोजिट होता है। सुपीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होगी तो इन्फीरियर सरफेस होगी कॉन्केव, और साइड बाई साइड कॉन्केव थी तो साइड बाई साइड कॉन्वेक्स होगी। बस इतना सा था हमारे ट्रंक के बारे में। जो स्प्लीनियम होता है ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है हमारे कॉर्पस कैलोसम का। ये जैसे बताया था 4 सेंटीमीटर फ्रंटल पोर से पीछे होता है, वैसे ये 6 सेंटीमीटर ऑस्पिटल लोब से आगे होता है। यहाँ पर तो ऑस्पिटल पोल आएगा, यहाँ पर फ्रंटल पोल आएगा, तो टोटल 10 सेंटीमीटर की यहाँ पर नोज जोड़कर 10 सेंटीमीटर आता है, इसलिए मुझे याद रहता है एक 4 है तो दूसरा 6 ही होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है। और इसके स्प्लीनियम के रिलेशन में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको हमने वेंट्रिकल्स में अच्छे से डील किया है इसके साथ। स्प्लीनियम का जो पार्ट है कॉर्पस कैलोसम का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, उसके बारे में हमने वेंट्रिकल्स में उसके रिलेशन अच्छे से डिस्कस किए, तो इसको मैं सेपरेटली यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं फाइबर्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो हम देख लेते हैं फाइबर्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो इसमें बेसिकली 4 फाइबर्स होते हैं, वो होते हैं रोस्ट्रम, फोरसेप्स माइनर, अब माइनर है तो मेजर भी होगा, फोरसेप्स मेजर, चौथा होता है टेप्टम। टेप्टम का रिलेशन आपने, और थर्ड आपको वेंट्रिकल्स का वीडियो मस्ट है आपके लिए देखने के लिए, तभी आपको टेप्टम के रिलेशन अच्छे से पता चलेंगे। तो हम रोस्ट्रम से स्टार्ट करते हैं। तो रोस्ट्रम फ्रंटल लोब्स के ऑर्बिटल सर्फेसिस को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स ऑर्बिटल सर्फेसिस ऑफ फ्रंटल लोब्स। ये आप सरफेस का इसका वीडियो पक्का देखिएगा, सेरेब्रम के स्टार्टिंग के जो वीडियो हम पक्का देखिए, तभी आपको ये अच्छे से और डिटेल में समझ आएगा ऑर्बिटल सरफेस एक्चुअली ये होती कहाँ है। और ये फोरसेप्स माइनर कहाँ होता है सोचिए, अगर ये सुपीरियर व्यू से देखें, और ये है हमारा बेसिक सा अपना कॉर्पस कैलोसम, ये सुपीरियर व्यू है, तो फोरसेप्स माइनर ऐसे आगे की तरफ होता है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये किसके फाइबर से बना, आगे की तरफ होता है ये, तो ये जेनू के फाइबर से बना है। तो इट इज़ मेड अप द फाइबर्स ऑफ जेन्यू एंड कनेक्ट द टू फ्रंटल लोब्स, क्योंकि आगे फ्रंटल लोब्स हैं हमारे, डायग्राम बनाया गया, तो ये फ्रंटल लोब्स हैं, तो ये उसको कनेक्ट करता है। माइनर आगे होता है, वैसे मेजर ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है। तो फोरसेप्स मेजर किससे बनेगा, ये स्प्लीनियम के फाइबर से बनेगा, और किसको कनेक्ट करेगा, ऑस्पिटल लोब को। तो माइनर सिंपल है, ये फ्रंट में होगा तो फ्रंटल लोब को कनेक्ट करेगा, तो फ्रंट में क्या होता है जीनू, तो जीनू के फाइबर से मिलके बनेगा। और ये क्या होता है, ये हमारा फोरसेप्स मेजर जो है ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है, तो स्प्लीनियम के फाइबर से मिलके बनेगा और कनेक्ट करेगा दो ऑस्पिटल लोब को, ये हो जाएगा फ्रंटल लोब। अब बचता है हमारा टेप्टम। टेप्टम रिलेशन हमने वेंट्रिकल्स में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो ये किसको कनेक्ट कर लेता है, ये क्या करता है, ये नियर अबाउट थोड़ा पोस्टीरियर, मतलब ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट थोड़ा आगे होता है, तो ये ट्रंक और स्प्लीनियम के फाइबर से मिलके बना होता है। इसके रिलेशंस हमने वेंट्रिकल्स में अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्शन फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने चैनल तो नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए, हम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।